गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आप जानेंगे कि हीटर का एलिमेंट कैसे बदले। छोटे छोटे काम के लिए अगर आप इसको मार्केट में ले जाएं, ठीक है, करा कर आज आपका काफी समय बर्बाद होगा और पैसे भी अधिक लगेंगे, ठीक है। तो आप मार्केट से ये 25 या 30 रुपए के आसपास मिलता है, आप एलिमेंट खरीद लें 1500 वाट और 1000 वाट आप अपने जरूरत के अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। 1000 वाट और 1500 वाट, 15 जितना वाट बढ़ाएंगे आप उसका पावर एजम्पशन जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और बाकी हीट भी उसी रेशियो से अधिक करेगा, ठीक है। और जल्दी जितना 1000 वाट का होता है वो कम खराब होता है क्योंकि, और जितना कम वाट का होगा वो जल्दी जलता है क्योंकि आप ज्यादा हीट होगा, ठीक है, तो खराब होने के चांसेस भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जितना वाट बढ़ाएगा उतना कम हीट होगा, ठीक है, बिजली खपत बढ़ेगा लेकिन हीट कम होगा और ज्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट के ये दो नट, ठीक है, देखिए अगर कनेक्शन इस दो नट में है तो आप इस दोनों को खोलेंगे, इस दोनों में रहता तो इस दोनों को खोल दें, ठीक है। ढीला है तो ऐसे ही खुल गया, अगर हार्ड है तो प्लायर का हेल्प लें, ठीक है। के बाद आपको ऐसे करके दोनों हटा देना है, सप्लाई निकाल के करना है, आप ध्यान दें कभी भी सप्लाई देकर इस तरह का काम ना करें और पूरे सेफ्टी के साथ आप काम करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये नॉर्मली इससे जा रहा है तो ठीक है, तो हल्का हल्का जोड़ करें क्योंकि ये चीनी मिट्टी का है, टूटने का डर रहेगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये नहीं निकल पा रहा है, दिक्कत हो रहा है, फिर आपको ऐसे ऐसे अंदर सपोर्ट करिए, ये बाहर चला जाएगा, पुराना एलिमेंट को आप जो नाइक्रोम का वायर लगा होता है उसको आप हटा दीजिए। ब्रश से आप इसको डस्ट हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए नए क्वाइल में आपको स्क्रू ऑलरेडी दे रखता है कंपनी, ठीक है, तो नया वाला स्क्रू लगाना है, पुराना वाला स्क्रू हटा देना है क्योंकि हीट होके वो खराब हो चुका है, थोड़ा बहुत उसका जो ये चूड़ी बनी होती है ये सब खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको अच्छे से टाइट कर लेना है, उसके बाद जो भी इसका पार्टीशन बना हुआ है उस पार्टीशन में हम लोग बाद में फंसा देंगे। ज्यादा जोर नहीं लगाना है आपको कि ये चीनी मिट्टी का है, टूटे नहीं, हो गया। अब आपको एक इसमें फंसाना है, ठीक है, दूसरे को दूसरे में फंसाना है और ध्यान रखें दोनों के बीच इतना गैप जरूर रहे कि दोनों आपस में टच ना हो, टच होने पे ये शॉर्ट सर्किट पैदा कर देंगे। ठीक है, अब आप नीचे तरफ से ऐसे पकड़ के हाथ से या प्लायर से ऊपर से अच्छे से स्क्रू को टाइट करना है, बहुत ढीला भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं। ठीक है, हो गया। देखिए आपको पूरा सेंटर पे लेना है, आपको पूरा सेंटर यहाँ आ रहा है सेंटर, तो आपको यहाँ रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ दबाए, फिर आपको यहाँ दबाना है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अकेले दिक्कत हो रहा है तो आप एक और व्यक्ति का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बस लास्ट इन पे अगर आप उंगली दबाए रखेंगे, यहां से नहीं छिड़ेगा तो फिर नहीं निकलेगा कहीं से भी, ठीक है, ठीक है। लास्ट इन देखिए यहां पे मैंने दबाए रखा था, अगर जिसका छटका था पूरा निकल जाता, लास्ट इन पे आपको दबाए रखना है, ठीक है।
उसके बाद आपको एक बार सप्लाई देना है। सप्लाई देने के बाद अब मैं सप्लाई देने जा रहा हूँ। सप्लाई देने के बाद आपका स्प्रिंग वाला जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाता है, बाकी ये सॉफ्ट हो जाता है, फिर निकलने का चांसेस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैंने सप्लाई दे दिया। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं इसमें जो पॉलिश लगी होती है वो पॉलिश जल रही है। ठीक है, देखिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देता हूं और आपको भी समय से रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।